हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश शर्मा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस टेंसों के बारे में, और सबसे पहले लेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कार्य जो लगातार हो रहा है उसको दिखाने के लिए हम कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई कार्य प्रेजेंट में लगातार हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यदि कोई कार्य पास्ट में लगातार हो रहा था तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और यदि कोई एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू होते रहेंगे तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए आप, कमल एक पत्र लिख रहा है। कमल एक पत्र लिख रहा है। इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि कार्य लगातार हो रहा है, यानी पत्र लिखने का जो कार्य है वो लगातार हो रहा है। अब चूंकि इस वाक्य के अंत में है आ रहा है और उससे पहले रहा रही आ रहे हैं, तो जिन वाक्यों के अंत में है शब्द आए और उससे पहले रहा रही आ जाए तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। तो ये इसकी पहचान इस तरह सुनिश्चित हो जाती है कि जिनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द आएंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य होंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कंटिन्यूस टेंस अपने आप में पूर्ण काल नहीं होता। इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, और पूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कार्य के प्रारंभ का और अंत का पता नहीं होता, यानी हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि एक्शन पास्ट में कब शुरू हुआ था और एक्शन फ्यूचर में कब जाके ख़त्म होगा। ऐसे सेंटेंसों की संरचना करने के लिए जो फार्मूला हम काम में लेते हैं वो इस तरह है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले कर्ता, इसका अनुवाद करते हैं हम, कमल एक पत्र लिख रहा है, तो हुई इज राइटिंग लेटर, कमल, ये इसका सब्जेक्ट। कमल। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के अंदर तीन हेल्पिंग वर्ब है, एक तो इज है, एक एम है और एक आर है। इज, एम और आर, इनमें से कोई सी एक हमको लेनी है। इनको भी आपको समझना चाहिए कि कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाएगी। तो जब सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, एक वचन हो तो इज लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट आई हो तो एम लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो आर लिखा जाएगा। आई के साथ एम, एक वचन के साथ इज, और बहुवचन प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कमल है, कमल मतलब ए बॉय, यानी एक लड़का है, तो एक वचन है तो हम इज लिखेंगे, और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है? लिखना। लिखने से क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नो। क्या कहते हैं? राइट, WRITE, राइट, ठीक है। अब हम राइट में आईएनजी लगाएंगे, लेकिन जिन शब्दों के अंत में यानी जिन क्रियाओं के अंत में ई आ रहा हो अंत में, तो वो ई हट जाता है आईएनजी लगने से पहले, तो यहाँ पर हम ई को हटा देंगे,
ई को हटा देंगे और आईएनजी लिखेंगे, राइटिंग। इसी तरह जिन वाक्यों में यानी जिन शब्दों के अंदर अंत में कोई कंसोनेंट आ रहा है तो उसमें सीधा आईएनजी लगा दिया जाता है। यदि कोई कंसोनेंट से पहले कोई बॉवल आ रहा है, कोई कंसोनेंट से पहले बॉवल आ रहा है तो अंत वाला कंसोनेंट डबल हो जाता है। जैसे उदाहरण देखो, रन, आर यू एन, रन। अब ये अंत में एन आ रहा है यानी कंसोनेंट आ रहा है और इससे पहले ये यू बॉवल आ रहा है। जब हम इसमें आई एन जी लगाएंगे तो अंत वाला कंसोनेंट डबल कर देंगे। इसको आई एन जी लगाते वक्त क्या करेंगे, आर यू डबल एन आई एन जी। इसी तरह कुछ शब्दों के अंत में आई ई आता है। जैसे एक उदाहरण देखो, एल आई ई, लाई। अब इस लाई में जब हम आई एन जी लगाएंगे तो आई ई को वाई वाई कर देंगे, तो एल वाई आई एन जी। इसी तरह यदि किसी शब्द के अंदर कंसोनेंट से पहले वॉवल डबल आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं, जैसे फील, जैसे फील लेते हैं फील, तो ये कंसोनेंट इससे पहले डबल ई आ रहे हैं, डबल कंसोनेंट आ रहे हैं, तो इसमें जब हम आई एन जी लगाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आई एन जी लगा देंगे। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना आई एन जी लगाने से पहले। तो हमने राइट में ई था वो हटा दिया, राइटिंग ए लेटर, ए लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट ए लेटर। तो कमल इज राइटिंग ए लेटर। अब जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाने के लिए नॉट और लगाएंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे। निगेटिव, कमल इज नॉट राइटिंग ए लेटर। और जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से आगे रखेंगे, इंटरोगेटिव। तो इज को पहले ले आएंगे, इज कमल राइटिंग ए लेटर, इज कमल राइटिंग ए लेटर। तो इस तरीके से हम इन वाक्यों का निर्माण करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में। तो अंग्रेजी से हिंदी में इस फार्मूले की सहायता से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसों का हिंदी में अनुवाद करते हैं, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में नॉट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, और जब इंटरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। अब एक चीज़ और हम देखेंगे कि हमारी परीक्षाओं में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरवाई जाती है, कंपिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसा होता है, तो इसके लिए भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनकी सहायता से हम ये पहचान सुनिश्चित करते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ऐसे कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो भी हमको आने चाहिए। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो करने वाले कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे लुक, जैसे लुक, लुक, लिसन, लिसन, लुक, लिसन, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। इसके अलावा एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। इसी तरह दीज डेज, दीज डेज। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं जो ये शो करते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो जब भी कुछ और इसके उदाहरण देखिए, जैसे रीना इज राइटिंग ए नॉवल these days,
अब जैसे इस सेंटेंस के अंदर दीज डेज आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है कि भाई रीना जो है आजकल एक नॉवल लिख रही है। अब इसके जब हम और यूज़ देखेंगे तो इन ये सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट होंगी। तो मैं अगले वीडियो में यूज़ के बारे में मैं बात करूँगा। थैंक्स वेरी मच।